देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे, व्हेन 24 इज सेपरेटेड फ्रॉम अ नंबर, ठीक है, किसी नंबर में से 24 को हम माइनस करते हैं, मान लेते हैं वो नंबर हमें पता नहीं, सो नंबर जो है वो है एक्स, उसमें से क्या करना है, क्वेश्चन को हमें फॉलो करना है, ठीक है, 24 को माइनस कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, इट रिड्यूस, ठीक है, इट रिड्यूस टू इट्स 47, उसी नंबर का जो 47 के जितना वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, सो एक्स मल्टीप्लाई बाय उसके 47 जितना रिड्यूस होता है, ठीक है, सो देखिए यहाँ पे एक्स माइनस 24 इज इक्वल टू 4x डिवाइड बाय 7, ठीक है, अभी 4x बाय 7 यहाँ पे चला आएगा, 24 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, सो x माइनस 4x बाय 7 इज इक्वल टू 24, इस तरह से हो जाएगा, सो यहाँ पे LCM ले लेंगे, यहाँ पे भी हमें 7 करना पड़ेगा, ठीक है, सो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइड, सो 7x माइनस 4x डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 24, ठीक है, सो 3x डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 24, ठीक है, सो 3x इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा, 7 जो है यहाँ पे चला जाएगा, सो x इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 3, इसे काट देते हैं, सो 8, सो x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 7, सो 56, मैं क्या बोला है, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ दैट नंबर, ये जो नंबर है उसकी डिजिट कितनी, दो डिजिट है, पहले तो 6 एंड 5, उन दोनों का हमें सम करना है, सो सम कर लेते हैं, 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11, हमारा जो आंसर है वो निकल के आ गया ऑप्शन नंबर सी 11। अगर स्टूडेंट आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, आपका जो भी डाउट है मैं वहां पे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है।